हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैंने हेयर वॉश किया जिसकी वजह से मेरे बालों का जो क्वालिटी देख रहे बहुत रफ एंड ड्राई लग रहा है। तो उसके लिए मैं यूज करूंगी यहाँ पे हेयर सीरम। ये स्ट्रिक्स का हेयर सीरम है, ये गोल्डन में आता है, एक इस तरीके के ब्लू पैकेजिंग में आता है जो गोल्डन वाला होता है, जिनके बाल ज़्यादा मतलब ड्राई नहीं है, बहुत ज़्यादा इस तरीके से फ्रिजी नहीं दिखते हैं उनके लिए है। बट जिनके बहुत ज़्यादा इस तरीके से फ्रिजी दिखते हैं, ड्राई दिखते हैं, उनके लिए ब्लू वाला है। तो मैं इसका सिर्फ 2 ड्रॉप ले रही हूँ, अच्छे से हाथों में मिक्स करूँगी और इस तरीके से लेंथ में अप्लाई करना है, जड़ों पे अप्लाई नहीं करना है। देखिए कितने अच्छे से मेरे बाल मैनेज हो गए, जो भी अजीब से दिख रहे थे सब मैनेज हो गए यहाँ पे। तो अभी ये सीरम चाहो तो खरीद सकते हो, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करके आप इसको ले सकते हो, बाय कर सकते हो। वीडियो पे जो ऐड प्रोडक्ट दिखा रहा है वहाँ पे आप क्लिक करो और इस सीरम को मंगवा सकते हो। तो चलिए आज मैं बताने वाली हूँ आप लोग को, छोटे बालों में इस तरीके से आपके बाल छोटे हैं, आपको काफ़ी हैवी बन दिखाना है, हाई बन बनाने का सही तरीका क्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम लोग हाई बन बनाते हैं तो क्या मिस्टेक करते हैं, अक्सर हम लोग अपना जो पोनीटेल होता है वो हम लोग इस तरीके से यहाँ पर बनाते हैं, तो हमारा हाई बन प्रॉपरली जैसे हमको चाहिए वैसा नहीं हो पाता है। तो इस केस में आपको करना क्या है, आपको अपने हाई बन को थोड़ा सा और आगे लेके आना है, सॉरी पोनीटेल को और आगे लेके आना है, जिससे कि जब आप हाई बन बनाओगे तो उसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप कितना ऊंचा लेके आना है ये कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आपको आपका जो ये कान का ये वाला हिस्सा है एकदम यहाँ पर आपको पोनी बनानी, मतलब मेरा अभी भी थोड़ा सा पीछे है तो और आगे लेके आएंगे, अगेन चेक करो, अभी बिल्कुल ठीक है। अब यहीं पे हम लोग रबड़ बैंड से पोनीटेल को टाइटली रबड़ बैंड को लगा देंगे। आप यहाँ पे मोटा पतला मोटा रबड़ बैंड यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई डोनेट बन वगैरह यूज नहीं करने वाली, सिंपली अपने बालों से ही हेयर स्टाइल को बन को बनाने वाली हूँ। तो इस तरीके से अगर आपने बन बनाया है, अगर हल्का फुल्का पीछे रह भी जाता है तो इस तरीके से आगे करो और रबड़ बैंड को टाइट करो, तो ये आसानी से आगे की तरफ आ जाएगा। अब आपको जो आपका बन बनाना है वो बनाओगे आप, तो इस तरीके से मैंने कर लिया। अब मेरे फेस पे थोड़ा सा पफ वाला लुक काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं इस तरीके से अपने बालों को खींचूंगी और अपने बालों में एक पफ बना लूँगी। और क्या करना है, इसके बाद से हमको इस तरीके से रबड़ बैंड को उठाना है और ऐसे खींच लेंगे, ओके। उसके बाद अपने बालों को इस तरीके से बैक साइड से लेके आएंगे, पीछे की तरफ लेके जाएंगे एंड रबर बैंड में इंसर्ट करते हुए इस तरीके से कर देंगे, ओके। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे अगेन इस तरीके से। अब आपको इस तरीके से बालों को रखना है और यू पिन की मदद से इसको सिक्योर करना है, इससे आपका बन काफ़ी अच्छा और स्टाइलिश लगेगा। अब मैंने इस तरीके से इसको रखा अच्छे से सेट करते हुए और यू पिन जहाँ जहाँ हमको ज़रूरत लगे वहाँ पे आप लगा दो। और मुझसे मेरे एक व्यूअर्स ने पूछा था, मैम यू पिन लगाने का सही तरीका क्या है, तो ध्यान से देखो डियर, हम लोग अक्सर ऐसे करके ऐसे यू पिन लगाते हैं ये, तो ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या है, आपको ऐसे यू पिन को लेना है, ऐसे रखना है, हेयर बन का हेयर लीजिए, स्कैल्प का हेयर लीजिए, देन इंसर्ट कीजिए, तो इस तरीके से आपका यू पिन भी नहीं दिखता है और ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो इस तरीके से आपको यू पिन लगाने का ये सही तरीका है, ओके। तो बालों में यूपिन लगाने का सही तरीका आपको पता चल गया। अब ऊपर वाला जो पार्ट था उसको लेंगे और इस तरीके से बैक साइड में लगाएंगे, जिससे कि हमारा जो रबड़ बैंड था वो हाइड हो जाए। अब इस साइड का जो हेयर है इसको थोड़ा थोड़ा सा खींचेंगे, यहाँ पे जो हमारा हेयर लग रहा है ये बन को अच्छा लुक नहीं आ रहा है इससे, तो यहाँ पे भी एक यूपिन इस तरीके से लेंगे और लगा देंगे। इस तरीके से हेयर को लेंगे, सॉरी हेयर को लेके स्कैल्प के हेयर के साथ अटैच कर देंगे। तो ये तो हमारा हो गया, अब इतना तो हमारा हो गया, अभी यहाँ का थोड़ा सा हेयर है, इनको इस तरीके से लेंगे और इस वाले हेयर के साथ मिक्स कर देंगे और इस तरीके से आप अपना हाई बन बना सकते हो और बहुत प्यारा लगेगा, लॉन्ग टाइम तक ये स्टे करेगा। तो ये बन गया हमारा हाई बन,
पतले हल्के छोटे बालों में भी काफ़ी अच्छे से स्टाइलिश सा हाई बन बना के रेडी कर सकते हो और कहीं भी आप पार्टी के लिए पार्टी वगैरह के लिए रेडी हो। वाह, तो आई होप कि हाई बन बनाने का आपको सही तरीका आज पता चल गया होगा। थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से आगे की तरफ ढकेलेंगे बालों को और एक यू पिन पीछे को और लगा देंगे यहाँ पे। तो आई होप कि परफेक्ट तरीका क्या है हाई बन बनाने का आपको पसंद आ समझ में आ गया होगा। मैं अक्सर हाई बन बनाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल रहता है हाई बन वगैरह। तो आपको भी अगर हाई बन अच्छा लगता है, आपके ऊपर शूट करता है, तो आप ये ट्रिक अप्लाई कीजिएगा एंड थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आपका जो बन है वो बहुत पीछे ना बने, फ्रंट की साइड में बने। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी इस तरीके की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो कैसा लगा आप लोग को मेरा ट्रिक हाई बन बनाने का, ये तरीका कैसा लगा? और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और भी कोई डिमांड हो आपकी हेयर स्टाइल से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए लेकर आ पाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। आपके भी हेयर मेरी तरह से बहुत ज़्यादा फ्रिजी एंड ड्राई है, तो ये सीरम अप्लाई जरूर कीजिएगा, मंगा लीजिएगा एड प्रोडक्ट पर क्लिक करके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।